3 मई को हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत जवाहर नगर स्थित श्री प्रसाद वाइन शॉप में चोरों ने चोरी करने की कोशिश की, जिसमें वो असफल रहे हैं। केवल काउंटर से चिल्लर 2 से 3 हजार रुपए लेकर भाग गए। उनका यह कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया है। चोरों ने चौकीदारों को बांध कर रखा था, जैसे तैसे उसने अपने आप को छुड़ाया और दुकान के मालक को इस घटना की जानकारी दी। ये 4 से 5 लोग थे। सबसे पहले चोरों ने चाकू दिखाकर चौकीदार से दुकान की चाबी ली और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। दुकान के 2 ताले टूटे, लेकिन जो प्रमुख ताला था नहीं टूट पाया, जिस कारण चोरों के हाथ काउंटर की चिल्लर के अलावा कुछ नहीं लगा। ये हमारी दुकान की आपको मैं केस बता रहा हूँ। ये परसों पैठ में 3 बजे, यानी आप कल का पैठ का 3 बजे पकड़ सकते हैं, परसों रात के 3 बजे करीब 5 लड़के आए दुकान पे, जिसमें से एक लड़का हमारी जो दुकान की जो बड़ी कंपाउंड वॉल है उसे कूद के डायरेक्ट चाकू लेके कूदा, जिसने हमारे गार्ड के ऊपर डायरेक्ट चाकू निकाला। उसके पीछे से फिर 4 लड़के और आए, पूरे फुटेज में आए हुए लोग। उसके बाद लोगों ने गार्ड को धमकाया, गार्ड से चाबी मांगी, तो गार्ड ने बोला कि मेरे पास सिर्फ बाहर के गेट की चाबी रहती है, दुकान की चाबी नहीं रहती है मेरे पास में। उसके बाद उन लोग ने अपने औजार निकाल के, फिर उन लोग को ये तक मालूम था कि एंट्री कहाँ से है, तो उन लोगों ने शायद पहले से उनको पता था या उनको जो भी नॉलेज था, उन लोगों ने डायरेक्ट जाके दरवाज़ा तोड़ा, ताला तोड़ा, अंदर घुसे, अंदर के 2 ताले और जो हमारे मेन स्टोर के ताले थे वो तोड़ने की कोशिश करी, जिसमें अंदर पूरा स्टॉक था वो उनसे नहीं टूटा। तो हमारा वहाँ पर एक कंट्री का टेम्प्ररी काउंटर है, उसमें चिल्लर रखी थी सिक्के 5-5 के 2 के 1 के, करीब 3-4 हज़ार रुपये अंदाज़ा आपको बोल रहा हूँ। उन लोगों ने फिर वो चोरी करके चले गए, और उसके दरमियान उन लोग ने गार्ड का हाथ पीछे से रस्सी से हाथ बांधे थे, तो गार्ड भी वैसे बंधा पड़ा था। फिर उन लोग जैसे ही निकले, तब हमारा गार्ड बाहर निकला और बाजू में एक हॉस्पिटल था, वहाँ के गार्ड से जाके उसने अपना हाथ खुलवाया, फिर उसने अपने सिक्योरिटी मैनेजर को फ़ोन किया, वो मैनेजर ने मेरे बड़े भैया को फ़ोन किया, फिर हम दोनों घर से 7 में रात में 3:15-3:30 के आसपास हम लोग यहाँ पर पहुँचे, तब पूरी वाकया हुई। उसके बाद उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया तो कंट्रोल रूम में, तो फिर हुडकेश्वर थाना के एरिया में हम लोग आते हैं, तो पुलिस वाले करीब आधे घंटे बाद पुलिस वाले आए, रात में उन्होंने चौकसी की, नेक्स्ट डे जाके मैंने रिपोर्ट किया। अभी फिर मैं पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, अब देखते हैं पुलिस वाले इसमें क्या सपोर्ट करके हमको कुछ मदद करते हैं नहीं करते हैं।